तो फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में बात कर रहे हैं मिनजी डब्ल्यू के बारे में कि मिनजी डब्ल्यू डाउनलोड हम कैसे कर सकते हैं और इंस्टॉलेशन की पूरी प्रोसेस बताऊंगा। और मिनजी डब्ल्यू हमारा होता क्या है ये बता देता हूँ मैं। मिनजी डब्ल्यू जो है कंपाइलर होता है हमारा, जो सी जैसी लैंग्वेजेस को कंपाइल करने में हमारी हेल्प करता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम फाइनली हैं हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पर और हमको आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मिनजी डब्ल्यू इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं हम, जो जेसीसी का कंपाइलर है सी लैंग्वेज को हमको वीएस कोड में रन करने के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में आपको इंट्रो में बता ही दिया था कि हम जेसीसी को इंस्टॉल कैसे करेंगे, ये मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ डाउनलोड कैसे करना और इंस्टॉल कैसे करना है। मेरे इसमें तो इंस्टॉल्ड है, मैं फिर भी आपको एक बार डाउनलोड करने की पूरी प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, मिन जी डब्ल्यू जेसीसी कंपाइलर डाउनलोड लिखना है, यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं तो फर्स्ट में ही आपको ये साइट मिल जाएगी, मिन जी डब्ल्यू 64 बिट और 32 बिट में दोनों आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड हो जाता है इस साइट पर। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो इस प्रकार से कुछ आपकी साइट ओपन होगी। इसमें ओपन होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आपको डाउनलोड का बटन दिख रहा है आपको ये यहाँ पर डाउनलोड करना है। ठीक है, तो 2-4 सेकंड लेने के बाद ये आपका डाउनलोडिंग पर लग जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, डाउनलोडिंग पे ये लग चुका होगा मेरा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। अभी ये मैंने कैंसिल तो हो गया है, ये देखिए ये मैंने पहले से ही कर रखा है डाउनलोड। ठीक है, तो जिप फाइल में आपका डाउनलोड होगा, इसके बाद आप इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना, आपका सेटअप कुछ आप ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, सेटअप पे जाके आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ आ जाएगा। तो अब इसका इंस्टॉलेशन मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुला रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो हमारा बेसिक सेटअप है ये सबको आपको मार्कस रीड करके रखना है। जैसे कि ये देख सकते हैं मेरा मार्कस रीड है, ये मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। अनमार्क कर दूंगा तो ये हट जाएगा, आपको ये सारे मार्क करके रखना है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इंस्टॉलेशन पे जाना है और अप्लाई चेंजेस पे आप जैसे ही करते हैं, अभी तो अप्लाई चेंजेस होगा नहीं क्योंकि मैंने एक बार कर चुका हूँ मैं। ठीक है, एक बार मैं आपको कुछ हटा के और वापस करके दिखा देता हूँ। ये ठीक है, तो मैं आपको आपको सारे सिलेक्ट करना है, उसके बाद अप्लाई चेंजेस पे आप जैसे ही जाएंगे और यहाँ कर आकर आपको अप्लाई करना है, वैसे ही आपकी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये जैसे ही ऑन हो जाती है आपकी पूरी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो ये आपका जेसीसी का जो कंपाइलर है ये हमारा इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको वीएस कोड में हमको चलाना कैसे, इसको पाथ वगैरह कैसे क्या डालना, वो जानेंगे हम अगली वीडियो में। तो चलिए, अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।